आज हम जो पढ़ेंगे वो इस यूनिट के अंदर आप लोगों के इसके अंदर टोटली ये यूनिट गया आपके तीन भागों के अंदर है। एक तो सबसे पहला डी ब्रोगली वाला नियम है, उसके बाद में सेकंड पार्ट जो आ जाता है आपके हाइजेनबर्ग और उस हाइजेनबर्ग के सिद्धांत, और उससे पहले जो है थोड़ा सा तरंग पैकेट के ऊपर है या फिर वेव पैकेट जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, या वेव पैकेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, और लास्ट पार्ट जो आपके बचता है इसके अंदर श्रोडिंगर से रिलेटेड एप्लीकेशंस या फिर श्रोडिंगर का जो नियम है या समीकरण है उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेटर्स का जिस प्रकार से यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, एक तो वेव पैकेट के बारे में जानना है क्या होता है वेव पैकेट तथा उसका निर्धारण कैसे हम पता करेंगे कि वो कोई भी तरंग का पैकेट है उसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव पैकेट क्या होता है सबसे पहले तो हमें वो मालूम होना चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है सभी को, क्लियर दिखाई दे रहा है, दिखाई क्लियर दे रहा है सभी को, चलो ठीक है। अब देखिए तो वेव पैकेट तथा उसका निर्धारण करने से पहले तो हमें कुछ चीजें ऐसी है जो इस वेव पैकेट को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपने किसी भी कण कोई भी गतिशील, अब देखिए यहां से आप कंटिन्यू लिखते जाना साथ साथ में, क्योंकि जो यहां से ये इक्वेशन निकलेगी, अभी जो हम इसके अंदर वेव पैकेट का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले समीकरण निकालेंगे, उसी इक्वेशन के निकलने के पश्चात जो है वो वेव पैकेट के डेफिनेशन तथा कोई भी वेव है उससे वेव पैकेट का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरंग की वेलोसिटी है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी तरंग है उसकी वेलोसिटी क्या है वो अगर हमें मालूम होती है तो उस वेलोसिटी के आधार के ऊपर ही हमें ये पता चलता है कि कोई भी तरंग है वो किस वेलोसिटी से गति कर रही है। उस आधार के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि अगर तरंगों का कोई भी तरंग है उसके कारण तरंग पैकेट का निर्माण कैसे होता है वो भी हमें उसी से ही पता चलेगा। तो आपको मालूम हो तो किसी भी गतिमान कण, किसी भी गतिमान कण के लिए जिसकी वेलोसिटी मान लो कोई भी वी वेलोसिटी है या फिर सी वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो नॉर्मली अपन क्या है वी बराबर सी लेते, तो मान लो कोई भी कण है अगर वो वी वेग से गति कर रहा है तो उस गतिमान कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दे दे क्या होगी, गतिमान कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दे दे, गतिमान तरंग के लिए डी ब्रोगली तरंग दे दे जो होती है वो लैम्डा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन एम वी के इक्वल होती है, ठीक है। और प्लैंक के अनुसार उस कण या फिर उस कण से संबंधित या उस कण की जो ऊर्जा है या फिर कोई भी तरंग या कोई भी कण है उससे तरंग संबंधित होती है, तो तरंगों के अंदर क्या होता है या फिर कोई भी प्रकाश विकिरण उसके अंदर क्या होते हैं फोटोन होते हैं। तो प्लैंक के नियम के अनुसार जो फोटोन है उसकी ऊर्जा क्या होती है, प्लैंक के अनुसार कण की ऊर्जा किसके रूप में दी जाती है, प्लैंक के अनुसार कण की ऊर्जा, प्लैंक के अनुसार जो कण की ऊर्जा जो है वो ई बराबर किस रूप में होती है एच म्यू के रूप में उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। इस ई बराबर एच म्यू, तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी का मान निकालना चाहे उस कण की तो वो क्या हो जाएगी ई अपॉन एच, ये क्या हो गया आपके समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नंबर एक। तथा आइंस्टीन के ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के ऊर्जा संबंध से, ऊर्जा संबंध से ई किसके बराबर होता है एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां से इस समीकरण नंबर दो में मान रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ई म्यू बराबर क्या आ जाएगी एम सी स्क्वायर अपॉन एच आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर तो अब जब हमें म्यू बराबर एम सी स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया एच मिल गया, तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम किसी भी तरंग की डी ब्रोगली कोई भी डी ब्रोगली वेव है या किसी कण से संबंधित तरंग है उसकी वेलोसिटी को लिखना चाहे तो वो भी हम यहां से लिख सकते हैं। अतः तरंग या डी ब्रोगली तरंग की, डी ब्रोगली तरंग की या तरंग का वेग जो है वो क्या हो जाएगा u, क्योंकि वेव u बराबर
तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आपने ये इससे यूनिट या फिर कोई भी वेव होती है उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि जो म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। अगर मान लो कि कोई भी तरंग प्रकाश के वेग से गति ना करके क्या कर रही हो, किसी वेलोसिटी वी के सापेक्ष गति कर रही हो या यू के सापेक्ष गति कर रही हो, तो अगर मान लो इस सी की जगह पे यू रख दे तो उस कंडीशन में इस तरंग के वेग का क्या सूत्र बन जाएगा, म्यू इंटू लैम्बडा। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने, तो यहाँ से यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू लैम्बडा। इस म्यू का मान अगर हम इसके अंदर रखें और उस लैम्बडा का मान इस समीकरण में रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू बराबर एम सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू एच अपॉन एम बी, एच से एच गया एम से एम गया, यू बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन बी आ गया। तो यहां से आप देखोगे तो यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। वेलोसिटी किसी भी तरंग की वेलोसिटी जो कि क्या है, किसी कण से संबंधित तरंग जो है उसको हम क्या मान रहे हैं, अगर डी ब्रोगली तरंग मान रहे तो उस डी ब्रोगली तरंग की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, प्रकाश के वेग के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यू किसके, सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब उस तरंग का वेग क्या होगा, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो भी कण है गतिशील कण है उस गतिशील कण का वेग जो है वो किस कितना होगा, प्रकाश के वेग से भी अधिक होगा। लेकिन जो आइंस्टीन का रिलेशन है या आइंस्टीन ने जो अपना ऊर्जा संबंध दिया था या आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी के सिद्धांत दिए थे उस आधार के ऊपर उस आइंस्टीन ने यह कहा था कि कोई भी कण है, कोई भी गतिशील कण है तो उस गतिशील कण से संबंधित अगर उसकी तरंग है तो उस तरंग का वेग कभी भी क्या नहीं होता है, उस गतिशील कण के से संबंध उस कण के अंदर जो तरंग है उस तरंग का वेग कभी भी प्रकाश के वेग से या किसी भी पार्टिकल का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि किसी भी कण का वेग जो है या किसी भी कण से संबंधित तरंग का वेग इक्विवेलेंट हो सकता है प्रकाश के वेग के, लेकिन कभी भी प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस रिलेशन के अंदर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस रिलेशन के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी गतिशील कण है तो उसको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्लैंक के नियम या डी ब्रोगली के तरंग के नियम का उपयोग करके अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी किसके बराबर आ रही, सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कण या कण से संबंधित तरंग की वेलोसिटी सी स्क्वायर आ रही है तो इसका मतलब ये कि ये वेलोसिटी भी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है और इस वी से भी सी का क्या मान है, बहुत अधिक है। तो यहां से इस रिलेशन से ये पता चलता है कि या फिर ये रिलेशन, पहली बात तो ये रिलेशन तो गलत ही हो गया, रॉन्ग ही साबित हो गया, गलत ही है, परंतु इस रिलेशन से ये पता चलेगा कि कण है, कण से संबंधित जो तरंग है उस तरंग का वेग क्या है, कण के वेग से अधिक है। इसका मतलब ये कि ये कण है उससे क्या होगी, तरंग पहले ही उत्सर्जित हो जाएगी या तरंग का उत्सर्जन है या फिर तरंग जो है वो कण से क्या है आगे की तरफ चल रही है, बहुत ही ज्यादा आगे चल रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जो तरंग है वो क्या होगी, उस कण से ही संबंधित है या उस कण से उत्सर्जित हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर तरंग कण से आगे कैसे होगी। तो इसलिए कहा गया कि जो ये वेलोसिटी या फिर इन तरंगों का कण से आगे होने की कंडीशन के अंदर जो था वो इस डी ब्रोगली या इस द्रव्य कण से रिलेटेड जो बहुत सारी अलग अलग किरणें होती है उनके रिलेशन में एक संबंध दिया गया और उसके अंदर यह बताया गया कि जो कोई भी कण है उस कण के अंदर तरंग सिर्फ एक तरंग के रूप में उत्सर्जित न होके बहुत सारे तरंगों के समूह के रूप में या बहुत सारे तरंगों के समूह के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी कण है तो उससे सिर्फ ओनली फॉर एक तरंग ही उत्सर्जित नहीं होगी, उससे क्या होती है बहुत सारी अवयवी तरंगें, बहुत सारी तरंगें इस कण से क्या होती है उत्सर्जित होती है। पर्टिकुलर ओनली फॉर एक ही तरंग उत्सर्जित नहीं होगी और जब इसके अंदर किसी भी गतिशील कण से एक कण एक तरंग ना बहुत सारी अधिक कण है बहुत ही अलग अलग तरह आवर्ति अलग अलग वेग की तरंगें उत्सर्जित होती है तो उस कंडीशन के अंदर यह कहा जाता है कि कोई भी गतिमान कण है तो ओनली फॉर एक कण तरंग को उत्सर्जित नहीं करेगा, वो क्या है बहुत सारी अधिक बहुत ही संख्या के अंदर क्या करता है अवयवी तरंगों को उत्सर्जित करता है। तो जब वो बहुत सारी अवयवी तरंगों को उत्सर्जित करता है तो जरूरी नहीं है कि उन सभी अवयवी तरंगों को क्या है वेग समान हो या फिर उनका आवर्ति समान हो। तो उस कंडीशन में ये कहा गया कि जो एक अवयवी कण होता है उससे रिलेटेड उसका वेग या उसका जो आवर्ति जो होती है या फिर उस एक अवयवी कण से संबंधित जो उसका तरंग या उसका वेग जो होता है उसको तो हम क्या कह देंगे,
तरंग वेग कह देंगे, या फिर उसको हम क्या बोल देंगे, उसको ये भी बोल सकते हैं कला वेग भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि उससे एक सिंगल तरंग की जो है उसका मान और उस टोटल यहाँ पे ये जितना भी हम ले रहे हैं इन सबके मान में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी अभी अभी कण बहुत सारे हैं, इन सबसे मिलके जो एक तरंग का समूह बनता है, या फिर अवयवी तरंगों से मिलके जो एक समूह बनता है, उस समूह को आप क्या बोलते हैं, तरंग समूह बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है इन सबका जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, तरंग पैकेट कहते हैं। तथा इस तरंग पैकेट का जो वेग होता है उसको क्या बोला जाता है, समूह वेग, या फिर ग्रुप वेलोसिटी बोला जाता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना से इसके अंदर जो ये डेरिवेशन है उससे एक तो क्या पता चल रहा है कि जो कण है उससे उसकी जुड़ने वाली तरंग की वेलोसिटी क्या है, इस रिलेशन से पता चल रही है कि उसकी वेलोसिटी प्रकाश से के वेग से अधिक होगी। परंतु रियलिटी में कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर या जो आइंस्टीन का सिद्धांत है उससे ये आइंस्टीन ने साफ साफ रिलेटिविटी के अंदर ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल जो है उसका भी प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंट हो सकता है पर उससे अधिक नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कोई भी कण, या फिर इस थ्योरी से तो ये पता चल रहा है या ये प्रदर्शित करिए थ्योरी के जो गतिमान कण है उससे तरंग क्या है बहुत आगे है, या फिर ये कह सकते हैं तरंग जो है वो क्या है, या तरंग से गतिमान कण है वो बहुत ज्यादा पीछे है। तो उस कंडीशन में यह बताया गया कि कोई भी तरंग है या किसी भी गतिमान कण से है ओनली फॉर एक अवयवी पार्टिकल या फिर एक अवयवी तरंग उत्सर्जित होके तरंगों का एक युग्म उत्सर्जित होता है। उस युग्म के अंदर क्या होती है, अलग अलग आवर्ती अलग अलग तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती है, और उसके कारण उन सभी तरंगों के मिलने से या उन सभी तरंगों का एक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। और उस वेव पैकेट का जो वेव होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ग्रुप वेलोसिटी किसके कारण होगी, सभी तरंगों के मिलने के कारण होती है, और दूसरी वेलोसिटी जो होती है वो कौन सी होती है, फेज वेलोसिटी होती है। फेज वेलोसिटी या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, कला वेग कहते हैं। एक जो होता है कला वेग और दूसरा कौन सा वेग होता है, समूह वेग। कला वेग और समूह वेग में डिफरेंस ये होता है कि समूह वेग तो युग्म के कारण पूरी की पूरी तरंगों का जो युग्म बनता है उसको तरंग पैकेट कहते हैं, उस तरंग पैकेट की वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। परंतु कला वेग जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो एक किसी भी अवयवी तरंग, जैसे कि मान लो कि इसके अंदर मान लो कि 10 12 15 तरंगें उत्सर्जित हुई है, उसमें से अगर मान लो अगर हम किसी भी एक अवयवी तरंग की वेलोसिटी को देखेंगे तो ये जो ये एक अवयवी तरंग है, इस एक अवयवी वेव या एक अवयवी तरंग से संबंधित जो वेग होगा उसको किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कला वेग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, 10-12 लाइनों की थ्योरी है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मैंने बोला है उसके रिलेटेड। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, मुकेश सरुभाटी रतनलाल कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर आगे लिखते हैं, फिर इतना टाइम नहीं है आपके पास में, बताओ स्वरूप मुकेश क्या लिख रहा हूं। चलो यहां तक तो लिख लिया होगा सबने, इसके आगे का बता देता हूं मैं। आइंस्टीन के सिद्धांत से, आइंस्टीन के सिद्धांत से, आइंस्टीन के सिद्धांत से किसी भी, आइंस्टीन के सिद्धांत से किसी भी गतिमान कण की चाल या वेग प्रकाश की चाल से क्या नहीं होती है, से अधिक नहीं होती है, ठीक है। ये क्या था, आइंस्टीन का सिद्धांत था, उसके अनुसार ये बताया गया था
कोई भी पार्टिकल है वो किससे अधिक गति, किस गति से अधिक, नहीं गति से अधिक गति नहीं कर सकता, प्रकाश की चाल से अधिक वेग से वो गति नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पे हमने समीकरण नंबर जो 3 पढ़ा है, जबकि समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 3 में तरंग है, उस तरंग की चाल क्या है, तरंग की चाल समीकरण नंबर 3 में तरंग की चाल प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग से अधिक है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात इसके अलावा यदि किसी कण से संबंधित डी ब्रोगली कण की चाल u, कण की चाल v से अधिक हो तो, चाल v से अधिक हो तो कण, तो द्रव्य कण तरंग से पीछे, तरंग से पीछे रह जाएगा। यहां पे तो ये पता चलेगा, परंतु कोई भी गतिमान कण है उसकी चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कण तो आगे निकल, कण पीछे रह जाएगा और तरंग आगे चली जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाई थी डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो बताया था, उसके में मैंने आपको साफ साफ क्या कहा था कि अगर कोई भी प्रकाश की कण किरण है या कोई भी पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो उससे संबंधित भी एक तरंग होती है, उसके साथ में एक तरंग उत्सर्जित होती है। परंतु यहाँ पे तो तरंग पहले ही उत्सर्जित होगी, पहले ही आगे चली गई और कण तो पीछे रह रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता या फिर ये संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या कहा गया, उस कंडीशन के अंदर यह बताया गया कि अतः कोई भी द्रव्य कण जो होता है उससे क्या होता है, द्रव्य कण में केवल क्या है, एक ही तरंग क्या नहीं होती है, एक ही तरंग समृद्ध नहीं होती या एक ही तरंग संबंधित नहीं होती या उसके संगत एक ही तरंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, तरंगों का समूह होता है, उस तरंगों के समूह के कारण ही क्या है, वो पार्टिकल के ऊपर या वो तरंग जो है वो एक पैकेट के रूप में गति करती है, फिर उसकी वेलोसिटी को हम उस पैकेट के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि एक यहाँ पे आपने देखा सिर्फ एक तरंग की वेलोसिटी को ज्ञात करे हो तो क्या है, प्रकाश के वेग के बराबर आ रही है। तो उस कंडीशन में जो था इस मॉडल के अंदर या इस तरंग पैकेट के अंदर ये बताया गया कि कोई भी पार्टिकल जो है उससे सिर्फ एक ही तरंग उत्सर्जित नहीं होती है, उसमें क्या होता है, तरंगों का समूह उत्सर्जित होता है जिसमें सभी तरंगें जो होती है उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, किसी तरंग की वेलोसिटी अधिक, किसी तरंग की वेलोसिटी कम। तो उस कंडीशन के अंदर उस सम का जो वेलोसिटी है उन सबको जब जोड़ दिया जाता है तरंगों को और उन सब तरंगों का एक समूह निर्मित किया जाता है, तो उस समूह की जो टोटल वेलोसिटी जो होती है वही क्या होती है, उस तरंग पैकेट की वेलोसिटी होती है, वो इसके अंदर बताया गया। तो इसके अंदर ये कहा गया कि इसमें क्या होता है, एक तरंगों का क्या होता है, का समूह होता है, जिसमें एक तरंगों का समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग पैकेट कहते हैं। इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, आप देख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं अलग अलग वेलोसिटी की तरंगों का क्या होता है, गमन होता रहता है।
किसी की वेलोसिटी अधिक होती है, किसी की वेलोसिटी कम होती है, किसी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो किसी की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये कहा कि जो ये पूरा का पूरा वेव पैकेट आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, जब ये पूरा का पूरा वेव पैकेट आगे की तरफ कल कौन से कंडीशन में बढ़ेगा, इन सब तरंगे जो ये भिन्न भिन्न तरंग भिन्न भिन्न तरंगे या फिर भिन्न भिन्न वेग की जो तरंग है, इन वेलोसिटी का जो युग्मन होगा उस आधार के ऊपर, या इन सब इन सभी तरंगों का जो तरंगों के कारण जो ये समूह मिला है उस समूह का टोटल वेग जो होगा ना उसी वेलोसिटी के साथ में क्या है तरंग पैकेट जो है वो क्या करता है, गति करता है। अब यहाँ पे मैं तरंग पैकेट की वेलोसिटी के बारे में ले लेते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं भिन्न 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 वेगो भिन्न भिन्न वेगो तथा भिन्न 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 वेगो तथा भिन्न भिन्न आवर्ती क्यों या आवर्तियों या तरंग दैर्ध्य का आवर्तियों या तरंग दैर्ध्य का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, समूह को क्या कहा जाता है, तरंग पैकेट कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेव पैकेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। मतलब उस पैकेट के अंदर क्या होगी, सभी सेम वेलोसिटी की भी तरंगें हो सकती है, अलग अलग वेलोसिटी की भी तरंगें हो सकती है, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी की होगी तो उस तरंग पैकेट का मान या उस तरंग पैकेट का वेग भी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से सारी तरंगें गति कर रही है। जैसे कि मान लो क्या, अगर मान लो कि जितनी मान लो 10 12 25 कितनी भी तरंग है, अगर उन सबकी वेलोसिटी वी बराबर क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस कंडीशन में जो तरंग पैकेट होगा उसका भी मान क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर मान लो कि अगर उसकी वेलोसिटी सभी की अलग अलग वेलोसिटी हो, किसी तरंग की वेलोसिटी अधिक है, किसी की कम है, किसी की सबसे अधिक और सबसे कम वाली की बीच में है, और किसी की तो शून्य भी है या फिर शून्य से अधिक है या थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड से चल रहा है, तो उस सब कंडीशन के अंदर जो ये तरंग पैकेट जो होगा उन सब समूह उन सभी तरंगों के समूह समूहन से जो वेग प्राप्त होगा उस वेलोसिटी के द्वारा क्या करेगा, तरंग पैकेट जो है वो गति करता है। अब देखिए यहां से तरंग पैकेट के बारे में तो पता चल गया। अगर मान लो कि ये तरंग पैकेट क्या है, किसी न किसी पार्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि तरंग पैकेट किससे मिलके बना है, तरंगों के समूह से मिलके बना है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी भी गतिशील कण या कोई भी गतिमान कण है उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से उसका बिहेवियर कैसा है, अगर उसके बिहेवियर को पता करना है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड उसके तरंग पैकेट जो है उस तरंग पैकेट के अंदर जो अलग अलग वेग की तरंगे है उसको बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा, या उसके अध्यारोपण को समझना पड़ता है, या फिर उनके युग्मन या उनके जो अध्यारोपण होता है उसके अध्यारोपण से जो तरंग पैकेट मिला उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जब उसके अध्यारोपण या इन अलग अलग तरंगे अलग अलग वेगों की जो तरंग है जब उसके अध्यारोपण के बारे में हम पढ़ेंगे तो उस अध्यारोपण से जो हमें उस तरंग का जो तरंग समीकरण मिलेगा या फिर उस तरंगों के समूह का जो वेग मिलेगा उसी आधार के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि उससे उत्सर्जित होने वाली तरंग किस प्रकार की है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे उत्सर्जित होने वाले वेव पैकेट का वेग क्या है, वो हम क्या कर सकते हैं उस कण से उत्सर्जित होने वाली अलग अलग तरंगों के समूहन से बने वेव पैकेट के अध्यारोपण या अलग अलग तरंगों के अध्यारोपण से बने वेव पैकेट के वेग से ही हम क्या कर सकते हैं, या उसकी वेलोसिटी से या फिर उसकी तरंग दैर्ध्य या उसकी आवर्ती के मान के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं उस कण के व्यवहार की भी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है किसी भी गतिमान कण का किसी भी गतिमान कण का व्यवहार इन उससे उत्सर्जित होने वाली इन तरंगों या फिर हम कह सकते हैं उससे उसके संगत
उत्सर्जित या उसे संगत तरंग के अध्यारोपण, उसके तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग, उसके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जो परिणामी वेव मिलेगी, उस परिणामी वेव का क्या वेलोसिटी है? अध्यारोपण से मतलब है रिलू सुपर पोजिशन, मतलब एक के ऊपर दूसरी अध्यारोपित होती है। मतलब जैसे कि मान लो कि ये छोटी है, इसके ऊपर एक दूसरी और अध्यारोपित हुई, तो उस कंडीशन में जो टोटल वेव पैकेट उसकी वेलोसिटी या उसका मान जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो अलग अलग तरंगे आ रही है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। आप ये कह सकते हो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो उनकी क्या एक दूसरे को मिक्सअप कर देते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है, इस वेलोसिटी इसका जो मान है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, परिणामी तरंग अब एक दूसरे को जुड़, जब अलग अलग तरंगे उत्सर्जित हो रही है उन सबको जोड़ेंगे या उन सबका एक दूसरे के साथ में अध्यारोपण होगा, तो उस कंडीशन में उनके युग्मन के कारण जो है एक तरंग बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर एक पैकेट मिलता है उसको वेव पैकेट बोलते हैं। और उसी वेव पैकेट के आधार के ऊपर जो हमें परिणामी तरंग मिल रही, क्योंकि अब वेव पैकेट भी क्या है, एक वेव के फॉर्मेट में होता है, तो उस वेव के फॉर्मेट को अगर हम पढ़ेंगे या उस वेव के फॉर्मेट की वेलोसिटी या उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, किसी भी गतिमान या किसी भी वेलोसिटी करते हुए कण की गति के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अध्यारोपण उन तरंगों का क्या होता है, युग्मन होता है, उन तरंगों को आपस में जोड़ा जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, उनका अध्यारोपण किया जाता है, उस अध्यारोपण से क्या किया जाता है, परिणामी तरंग को ज्ञात किया जाता है। उसी परिणामी तरंग की वेलोसिटी, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, उस गतिमान कण के व्यवहार का भी पता कर सकते हैं, वो किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। ये अध्यारोपण का जब हम क्या करेंगे, आपको और अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा, जब हम कल की क्लास में इनसे रिलेटेड या इसी गतिमान कण से रिलेटेड अगर दो कण तरंगों का जब अध्यारोपण करेंगे, तो एक हमें इक्वेशन भी मिलेगी जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, वेव पैकेट के ग्रुप वेलोसिटी को प्रदर्शित करेगी, तब और आसानी से अध्यारोपण या सुपर पोजिशन आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यदि अध्यारोपित, यदि अध्यारोपित, यदि अध्यारोपित तरंगों का, यदि अध्यारोपित तरंगों का वेग कैसा है, तरंगों का वेग समान हो तो उससे संबंधित, तो उनसे संबंधित संबंधित तरंग पैकेट का वेग भी, पैकेट का वेग भी, तरंग पैकेट का वेग भी क्या होता है, तरंग के वेग के समान होता है। तो आपको इसमें जो ये मैंने अभी तक इसमें बताया, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उससे सिर्फ एक ही तरंग उत्सर्जित कभी नहीं होगी। तरंगे जो होती है या फिर उससे अवयव या उस कण से उत्सर्जित सिर्फ एक ही कण नहीं होती, एक ही तरंग नहीं होती है। उससे क्या होता है, तरंगों के रूप में बहुत सारी, एक ही तरंग नहीं बहुत सारी तरंगे उत्सर्जित होती है, या समूह के रूप में बहुत सारी तरंगे उत्सर्जित होती है, तो उन सभी तरंगों के समूहन या ग्रुपिंग से क्या बनता है, एक वेव पैकेट बनता है। और उस वेव पैकेट की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तरंगों के वेग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तरंगों का वेग एक समान है तो वेव पैकेट भी क्या होगा, उसी वेग से गति करेगा जिस वेग के क्या है, तरंगे है। लेकिन अगर मान लो कि अगर सभी तरंगों का वेग समान नहीं हो, किसी तरंग का वेग अधिक हो, किसी तरंग का वेग कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर उस वेव पैकेट का वेग जो है उस पूरे समूह के कॉम्बिनेशन या उस समूह के अध्यारोपण से जो वेग प्राप्त होता है उससे, या उन सभी तरंगों के एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, या फिर जो हम ग्रुप वेलोसिटी होगी उन सभी तरंगों के, उस ग्रुप वेलोसिटी के समान क्या होता है, उस वेव पैकेट का वेग होता है। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल है ये भी कोई कण है ना, इससे सिर्फ एक तरंग उत्सर्जित नहीं होगी, इससे क्या होगी,
तरंग अलग अलग तरंगों का क्या होता है, एक समूह सृजित होता है, किसी की वेलोसिटी अधिक होती है, किसी की वेलोसिटी कम होती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तरंगों का कला वेग या तथा संबंध। अब आप यहां पर देखिए, अब ये दो चीजें आई है, एक तो कला वेग जिसे कि क्या बोला जाता है, फेज वेलोसिटी, और एक है कौन सी वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेनली डिफरेंस जो होता है इसमें क्या होता है, जो फेज वेलोसिटी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है कण से उत्सर्जित अवयवी, उत्सर्जित या कण के संगत अवयवी तरंगों, या फिर आप कह सकते हो उनको डी ब्रोगली तरंगे। जो सिंगल वेव होगी उन, मान लो कि अगर कोई भी कण है अपने से तरंगों के समूह को उत्सर्जित कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, अलग अलग तरंगे होगी, तो वो जो अलग अलग अवयवी तरंगे जो होती है उनकी वेलोसिटी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, फेज वेलोसिटी बोला जाता है। तथा इन अवयवी तरंगों के समूह का जो वेग होता है, अवयवी तरंगों के समूह का वेग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप वेलोसिटी। तो दोनों में अंतर है, एक तो क्या होगा, एक सिंगल वेव या फिर एक अलग से जो वेव होगी, कोई भी अगर कण है बहुत सारे तरंगों को उत्सर्जित कर रहा है, तो उसमें से अगर हम मान ले कोई भी अलग से एक अवयवी तरंग की जो वेलोसिटी हम नोट करेंगे, वो अलग से एक अवयवी तरंग की जो अलग अलग अवयवी तरंग है उनकी जो अलग अलग वेलोसिटी होती है, एक कोई मान लो कि सेम वेलोसिटी तो होगी नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी की सेम हो, किसी की सेम हो सकती है, किसी भी पार्टिकल के लिए उत्सर्जित होने वाली अवयवी तरंगों की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, परंतु मान लो कि अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अगर हम अलग अलग पार्ट, अलग अलग तरंग की या अलग अलग वेव की अगर वेलोसिटी देखते हैं, तो उस अलग अलग अवयवी तरंग की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, फेज वेलोसिटी। लेकिन इन सभी अवयवी तरंगों के का जो एक समूह होता है, उस पूरे समूह का जो वेग होगा उसको क्या बोला जाएगा, समूह वेग, या फिर उस वेव पैकेट का, उस वेव पैकेट का जो वेग होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोल सकते हैं। आप वेव पैकेट की वेलोसिटी बोलो या फिर तरंगों के समूह का वेग बोलो, दोनों ही क्या कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोनों को किसके रूप में, ग्रुप वेलोसिटी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां से सबसे पहले कला वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कला वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तरंग कला वेग की तरंग पैकेट से संबंधित, तरंग पैकेट से संबंधित अवयवी, तरंग पैकेट से संबंधित अवयवी तरंगों के वेग को, अवयवी तरंगों के वेग को क्या कहा जाता है, अवयवी तरंगों के वेग को कला वेग कहते हैं। इसे किससे, वी ऑफ पी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको इसे अंदर ध्यान रखना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, एक मिनट बचा है, तो इसलिए मैं आपको ये सिंपल सी चीज बता दूं कि जो कला वेग या ग्रुप वेलोसिटी होता है, उस कंडीशन के अंदर जो फेज होता है जिसे आप कला बोलते हो, वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। फेज आप कौन सा लेते हो, जैसे कि आप मानते हो कोस ओमेगा टी माइनस के के एक्स, किसी भी वेव को, सरल आवर्त तरंग जिसको आप साइन और कोस के रूप में लिखते हो, उनके जो ये फेज या इनके जो ये एंगल जो होते हैं, ये क्या रहते हैं, हमेशा ये हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट, मतलब वो हमेशा एक नियत जगह से स्टार्ट होगी और नियत जगह पे, मतलब उनके फेज के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट रहता है, जिससे स्टार्ट हुई उसी के ऊपर खत्म हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो वेलोसिटी या फिर उनको कैसे कला वेग या फिर
समूह वेग कहा जाता है, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। उसी के आधार के ऊपर हम क्या ज्ञात करेंगे, इनकी वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे।